Thank you very much, ma'am. Now it's time to listen to the speech of our honorable guest today here. मुख्तार अजीज सर ने उसको एक बात याद दिलाई जो वो अपने तारुफ में बोलने से रह गए कि सर जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बनाई थी उसके फाउंडर प्रो वाइस चांसलर भी थे और वाइस चांसलर की पोस्ट तक पहुंचना जो है ये कितना मुश्किल सफर है ये वो लोग बेहतर जान सकते हैं जो तालीम और तालीम से जुड़े हुए हैं। सर को माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी बड़ी बड़ी पोजीशन पे सर ने काम किया वो इंशाल्लाह अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे और उसमें हमारे सबके सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। सर को एक अवार्ड मिला है डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अवार्ड भी सर को मिला है जो लिस्ट सर के अवार्ड्स की हम लोग तक पहुँची है तो मैं सर को डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर के ही एक शेर से यहाँ बुलाना चाहूँगा कि जलाओ दिल के मीठे तीर की शब की जलाओ दिल के मीठे तीर की शब की न जाने कब हो सहर कौन इंतजार करे। मैं गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लाएँ और अपने वैल्यूएबल थॉट्स हम सबको इनलाइटन करें। इंतजामिया कमेटी ने मुझे बहुत ही शानदार अवार्ड जो हरगुण सरी साहब के नाम पर है उसे मुझे तफ्तीश करने का फैसला किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपके सामने रख सकूं। मैं इसके लिए कॉलेज के इंतजामिया निहाल साहब और उसकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि ये कॉलेज जो एक ज़माने से तालीम के मैदान में बहुत ही नुमाया खिदमत देता रहा है उसको चलाने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है और इसको आगे बढ़ाना है। हमारे मुल्क में पूरी आबादी में मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 15% है लेकिन जितने भी शोबे तरक्की होते हैं जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें तालीम सेहत नौकरियां, ज़मीन जायदाद की मिल्कियत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हिस्सेदारी इन सब में उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 3% कितने चले यानी लगभग 1/5 के करीब हमारी नुमाइंदगी है। आपके हमारे गांव में क्योंकि बहुत ही जदोजहद करने वाले बुजुर्गों की जमीन है 1857 से अब तक तो आपके यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है लेकिन पूरे मुल्क में ऐसी सूरत नहीं है और ये जो खराबी पैदा हुई है आबादी तो हमारी 15% है लेकिन नुमाइंदगी सिर्फ 3% के करीब है चाहे वो सिविल सर्विसेज हो छोटी नौकरियाँ हैं क्लास 4 क्लास 3 इनमें भी बड़ी शिरकत नहीं है। आईएएस वगैरह में एक जमाने से 3% के आसपास हमारी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा सूरत हाल
सियासी रुझानों में खराब है। दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी, इसके करोड़ों मेंबर्स हैं सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में 10 साल से हुकूमत चला रही है, सूबों में पहले से हुकूमत चला रही है। पिछले 3 इलेक्शंस में 2014, 2019 और 2024, इनमें एक भी मेंबर पार्लियामेंट का मुसलमानों से नहीं आया है, तो उनको टिकट नहीं दिए गए। और जिन दूसरी पार्टियों में टिकट भी दिए गए उनमें भी जीतने वालों की तादाद बहुत कम है, टिकट पाने वालों की तादाद कम थी, जीतने वालों की और कम, जो स्ट्राइकिंग रेट है वो कम है। तालीम से शुरू करते हैं, मेरी नज़र में तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी सबसे बड़ी चाबी है, और ये बहुत बड़े दानिश्वर हिंदुस्तान के और सोशल रहनुमा डॉक्टर अम्बेडकर का कॉल है, इन्हें डेमोक्रेटिक सोसाइटी शेयर इन पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की फॉर डेवलपमेंट फॉर एनी कम्युनिटी। वो फरमाते हैं कि जमहूरी तर्द निज़ाम में किसी भी कौमियत के लिए या किसी भी तबके के लिए तरक्की की जो शह क्लीद है वो सियासी ऐवानों में नुमाइंदगी है, यानी कितने आपके लोग पार्लियामेंट में हैं, कितने असम्बलीज में हैं, कितने हुकूमतों में हैं, ये चीज़ तय करती है कि आपकी कम्युनिटी कितनी आगे जा सकती है। लेकिन मैं तालीम से शुरू करता हूँ। खुशी की बात यह है कि 2011 की जो मर्दम शुमारी हुई हमारे मुल्क में, उसमें मुस्लिम लड़कियों ने जो पार्टिसिपेशन रेट होता है प्राइमरी और स्कूल की सतह पर, उसमें अहले वतन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की, ये जो नेशनल एवरेज था रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या एनरोलमेंट जिसको कहते हैं, कितने बच्चे स्कूल के लेवल पर किस कम्युनिटी गए, तो उसका जो एवरेज है उससे बेहतर परफॉर्मेंस मुस्लिम लड़कियों की थी। इसमें यकीनन लड़कियों की मेहनत और उनके वालदैन की हिदायत और उन्होंने कितना सपोर्ट किया लड़कियों के तालीम, इसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन उसी मर्दमशुमारी में ये भी पता चला कि 8वीं क्लास तक आते आते ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल से वापस बुला ली जाती, शादी करनी उनकी तो वापस बुला लो, गरीब है तो बुला लो। एक ही खानदान में अगर लड़का पढ़ रहा है, भाई बहन है, अगर गरीब है तो दोनों पर असर पड़ना चाहिए, लेकिन लड़कियों पर पहले असर पड़ता है, लड़कियों को विड्रॉ कर लेते, लड़के को पढ़ाते रहते, क्योंकि फिक्र यह है वालदैन की कि लड़कियों की तो बस थोड़ी बहुत तालीम दे के शादी कर देना चाहिए और लड़कों को पढ़ा लिखा के उनको इस तरह इस्लाह कर दें कि घर की हिफाजत कर सकें नौके में। इस सोच वजह से मुसलमान लड़कियों का रेट ऑफ ड्रॉप आउट रेट कहलाता है वो सबसे ज़्यादा सारी कम्युनिटी में, ये 2011 से बात हुई। इस पर वालदैन को तवज्जो देनी चाहिए, एक इस पर मूवमेंट चलाना चाहिए कि भाई लड़की और लड़कों में कोई फर्क नहीं होता, अभी भी बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मशीते रहती है कि कौन लड़का पैदा होगा कौन लड़की, किसी का कोई एक्सपेक्ट नहीं। लड़कियों को भी उसी तरह पढ़ाना चाहिए जैसे उनके भाइयों को पढ़ाते हैं, और उससे ज़्यादा अहम जो लड़कियाँ पढ़ जाए फिर उनको जॉब में जाने दें, जो लड़कियाँ पढ़ भी जाती हैं तो मैं बहुत से खानदानों में बस शादी कर दी जाती है, मान लिया जाता है कि बहुत अच्छा हो गया, वो काफ़ी नहीं है। जब लड़कियों के अपने बैंक अकाउंट होंगे, उनके पास अपने पैसे होंगे, तो उनसे बहुत से फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये देखा गया कि जिन खानदानों में लड़कियों को पढ़ा के जॉब में रखा गया वहाँ 2-3 नतीजे फौरन निकलते हैं। एक तो फर्टिलिटी रेट, यानी एक औरत पे कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये फर्टिलिटी रेट कहलाता है, फर्टिलिटी रेट गिर जाता है। चाहे ये खानदान के लोग जैनीज है, जैसे जैनीज में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, क्यों है, क्योंकि उनकी लड़कियाँ जो है तालीम याफ्ता भी हैं और जॉब में भी जाती हैं, बिजनेस करती है, गवर्नमेंट जॉब में जाती है, तो उनका फर्टिलिटी रेट कम, यानी जो आबादी का एक्सपोजर है वो रुकता है। उससे भी ज़्यादा बड़ा फायदा ये होता है कि लड़कियाँ आमतौर से देखी गई हैं सर्वे में कि इनके पास जब आबंदी होती है तो वो शराब पीने में कम लगाती है, शराब नहीं पीती, इधर उधर के जुए और सट्टे में नहीं जाती, वो ज़्यादातर अपने बच्चों की तालीम और सेहत पे पैसा खर्च करें या मकान बनाने पर खर्च करें, तो इससे अगली जनरेशन को उठाने में मदद मिलती है। वालदैन की जिम्मेदारी है इस पर काम करना चाहिए सामाजिक सतह पर कि लड़कियों को भी उसी तरह पढ़ाएं जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं,
लड़कियों को भी जॉब में जाने दे जैसे लड़कों को जाने देते हैं, और लड़कियों की शादी उस पर करें जब उनके पास जॉब हो जाए जैसे लड़कियों जैसे लड़कों का। ये तो एक काम करने को है। ये 2011 के सेंसस में जो स्कूल की सतह की तरक्की है ये तो खुशायन बात है, ड्रॉप आउट रेट का मैंने जिक्र कर दिया। लेकिन 2022 के पिछले 2 साल पहले के जो आंकड़े हैं हायर एजुकेशन में वो थोड़े से तश्वीशनाक हैं। सचर कमेटी ने ये पाया था कि पूरे हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन में यानी ग्रेजुएशन में उससे ऊपर की जो तालीम है उसमें मुसलमानों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी पार्टिसिपेशन रेट, यहाँ 100 में कितने बच्चे हायर एजुकेशन जाते हैं, वो 4% मुसलमानों के बच्चे लड़के लड़कियाँ आला तालीम में 100 में से 4 लड़के लड़कियाँ जाते थे। वो अभी 2022 में जो सर्वे हुआ है एसर कहलाता है, जो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन कहलाता है, उसमें पाया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे उनका रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन वो 8% और मुसलमानों का अभी तक 4% से फैला हुआ। सदर कमेटी वो आगे हुए कई साल हो गए उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, 4% अभी भी है। लेकिन जो सबसे गरीब कम्युनिटी की शेड्यूल ट्राइब अभी भी है उनमें लड़कियों का रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मुसलमान लड़कियों के मुकाबले में बढ़ा है। तो ये फिक्र की बात है, हायर एजुकेशन ने वालदैन की जिम्मेदारी है, एनजीओ की जिम्मेदारी है, यदि ये इदारा है इसमें तो खैर माशाल्लाह लड़कियाँ बहुत हैं, लेकिन और बहुत से इदारे जहाँ पर लड़कियाँ कम हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीम में एक जो अहम चीज़ काम करती है स्कूल कॉलेज की क्वालिटी, वालदैन के पैसे कितनी आमदनी, ये सब तो काम करता है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि वालदैन कितना वक्त अपने बच्चों के साथ तालीम के लिए बैठते हैं, कितना गाइड करते हैं। वालदैन न भी पढ़े लिखे हो लेकिन अगर बच्चा जो उसकी लड़की जा रही है स्कूल में उसके साथ शाम को बैठ के आधा घंटा 45 मिनट बैठ तालीम पूछे क्या पढ़ाई हुई स्कूल में, आगे क्या होने जा रहा है, तो बच्चों की हौसला अफजाई होती है और उनको भटकने का एहतमाल कम हो जाता है। ये जिम्मेदारी वालदैन की है और खुद लड़कियों को भी, जो लड़कियाँ यहाँ पर पश्चिमी में पढ़ लिख के आई इतने लेवल तक, अब आप लोगों की जिम्मेदारी की जो छोटी बहनें हैं आने वाली नस्लें उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको हिम्मत दिलाएं। बहुत से वालदैन समझाएंगे कि भाई लड़की की शादी होना चाहिए बालिग हो गई, मगर लड़के भी तो बालिग होते हैं, उनकी तो शादी उस वक्त होती है जब उनके नौकरी लग जाती है या कोई जॉब है, लड़कियों की शादी है पैमाना होना चाहिए जब उनके जॉब लग जाएंगे तब वो शादी हो। या ये कि पैसे कम है, बहुत से गरीब खानदान है मुसलमानों में भी और लोग, लेकिन उस गुर्बत की बात सब पे बराबर पड़ना चाहिए खाली लड़कियों को। ये जो इम्तियाजा है सोशल स्टिफिकेशन जिसको कहते हैं सोशलॉजी में, उसको कम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ ध्यान देने के लायक है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की उसमें इस पर बड़ा जोर दिया गया है और सही तरीके से जोर दिया गया है कि इस तरीके के तर्ज तालीम हो कि बच्चे को कोई ना कोई हुनर स्कूल के स्टेज पर आ जाए, 8वीं क्लास दिन पर कोई ना कोई हाथ काम हो। ये बहुत खुशायन चीज़ है। आप अपने कॉलेज में मुझे उम्मीद है कि जितने भी हुनर के काम सिखा रही हैं उसमें इजाफा भी कर सकते हैं, खासतौर से स्कूल की स्टेज पर 8वीं क्लास से 10वीं क्लास के बीच में जो लड़के लड़के हैं, क्योंकि 8वीं क्लास से ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई हुनर सिखा दें जिसमें कंप्यूटर से लेकर चिकन के काम, और मैंने एक स्कूल देखा था बहुत पहले आजमगढ़ में, एक मसूद खां होते थे जो बाद में यूपी में मिनिस्टर हुए मुस्लिम मजलिस के थे, उनके गांव में बड़ा गांव कहलाता था, उसमें एक उनका मदरसा था, उसमें दर्जा 7-8 में जूते बनाने का काम सिखाया, सब मुस्लिम बच्चे थे, ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे थे मुसलमान गांव, उसमें बच्चों को जूता बनाना सिखाते नए जूते बनाने। उसका फायदा ये होता था कि जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे आला तालीम में नहीं जाते थे उनको उस ज़माने में 30 रुपये पढ़ने की कम से कम जॉब प्राइवेट कंसर्न में मिले, 30 रुपये उस ज़माने में अच्छे बन जाते, जिसका मतलब ये है कि अगर हम हुनर सिखा दें तो फिर लड़के अगर ड्रॉप आउट भी हो जाएंगे तो कम से कम फैमिली में आमदनी का एक जरिया बना रहेगा,
और अगर उस लड़की की तालीम नहीं है तो कम अज कम उसके जो बच्चे होंगे कम अज कम उसके लिए वो तालीम जरूर आगे बढ़ाए। इसमें बहुत सी सनतें हैं, मसलन अच्छे खाना पकाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, ड्राइवर्स बहुत कम मिलेंगे, पढ़े लिखे ड्राइवर बहुत कम मिलेंगे, मिलते भी तो सरकारी नौकरी तलाश कर आप क्या काम नहीं करना चाहते। प्लम्बर्स, बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, ये आपको नहीं मिलते। तो सारी सनतें ऐसी हैं जिसमें अगर आप डालें लड़कियों को स्कूल की सतह पर तो ड्रॉप आउट रेट पर कमी लाई जा सकती है, और एक गारंटी है कि भाई अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम एक जॉब वहाँ पर है। लखनऊ में जुल्फ़ार हुसैन साहब हैं, उनकी एहलिया ख्वाजा मंजिल चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैंने अपॉइंट किया था, तो वो केटरिंग के बिजनेस यानी हॉस्पिटैलिटी में, उनको कहीं से पता चल जाता है कि लड़कियों के आसपास में कोई भी गरीब लड़का या लड़की है जिसको खाना पकाने का शौक हो तो उसको अपने इरादे में ले लेते हैं, उनका अपना एक सिस्टम और उसमें खाना पकाने की तरकीब सिखाते हैं। अभी हाल में एक सेमिनार में उन्होंने बताया कि आठवीं पास और छठी पास लड़कियों तक उन्होंने साल भर और डेढ़ साल तक की ट्रेनिंग दी खाना पकाने की, तो वो दुबई में किसी को 30,000 किसी को 35,000 किसी को 40,000 रुपये का खाना पकाने का जवाब देना है। तो घर में तो लड़कियों को खाना पकाने का कोई निर्धारण दिया नहीं जाता। इस सरकार ने ये तमाशा किया है कि एम्प्लॉयमेंट ने पढ़ा लिखाने के लिए कह दिया कि जो लोग अनपेड काम कर रहे हैं यानी जो लड़कियाँ घर में काम करें वो भी जॉब, जॉब तो है लेकिन उस लोगों की आमदनी उनकी जेब में तो जा रही थी मगर उसको भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट में शामिल किया। उस धकोले से कुछ नहीं होने वाला है, लड़कियों की जेब में पैसे होना चाहिए और उसके लिए उनको स्कूल स्टेज पर ट्रेनिंग देना जरूरी है। इन दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अहम है और इससे पूरे मुल्क को फायदा होगा अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। अब हम बात करना चाहेंगे मुसलमानों की जो टोटल टिकटेंस है इस मुल्क में, जो उनका रवाज है उसकी मेरी नज़र में क्या होगी। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि तालीम में पिछड़ापन है, जो सही है तालीम में पिछड़ापन है तो उसका नुकसान हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं भाई जमींदारी टूट गई, पैसा नहीं है तो इस वजह से कैसे पढ़ाए बच्चों को, तो उनकी गरीबी का जिक्र होता है, ये भी सही है, असल वजह है कि पैसा नहीं। लेकिन मेरी समझ ऐसी है, मैंने जितना समझा है असल कुंजी ये है कि मुसलमानों को एज ए कम्युनिटी वैसे मजबूरी जान बुझ कर सियासी सिराड़ी में हटाया गया है सियासत के मैदानों में। सियासत के मैदान का मतलब ये कि हुकूमत में जितने मिनिस्टर होने चाहिए उतने मिनिस्टर नहीं कराए जाते, जितने टिकट मिलना चाहिए पार्लियामेंट को असेंबली को उतने टिकट कोई पार्टी नहीं देती, बीजेपी को बिल्कुल नहीं देती और दूसरी पार्टियां भी कभी उसी करती हैं। और एक और मसला है कि ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पार्टी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उसके अलावा तकरीबन 40 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपी की बात करें कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम 40 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में आप देखेंगे मुसलमानों की डिमांड भी बहुत महदूद है, कहीं पर एक नाम कहीं पर दो नाम। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान होता है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि जिस कम्युनिटी की हिस्सेदारी सियासी मैदान में कम होगी वो तरक्की करने से रुक जाएगा। इस पर हमारे अकाबरीन को और ख़ासतौर से नौजवानों को, जो बच्चे जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, इन लोगों को ध्यान देने को, क्योंकि आगे की कम्युनिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर जल्दी आने वाली है। तो आप लोग इस पर गौर करिए कि पॉलिटिक्स में आप शामिल हैं। मैं जब कभी भी मामला उठाता हूँ कि पढ़े लिखे और रिसोर्स मुसलमानों को पॉलिटिक्स में, खाली मुसलमानों के क्यों, शेड्यूल कास्ट को भी होना चाहिए, ओबीसीज को भी होना चाहिए और कम्युनिटीज को होना चाहिए, तो लोग ये कहने लगते हैं कि अरे पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी चीज़ है। जो सही है, पॉलिटिक्स में बहुत से लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग अच्छे भी, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। तो जो सभी प्रोफेशन में आप डॉक्टर में जाइए तो बेईमान डॉक्टर में जाएंगे, आईएएस में जाइए वहाँ बेईमान आईएएस अफसर में नजर आ जाएंगे, लॉयर में जाइए उसमें बेईमान लोग मिल जाएंगे, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है। टीचर में भी एक सर्वे है, 50% टीचर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, ये सरकार की बात करो आप बारे में 50% यूपी के स्कूलों में 50% टीचर पढ़ाने नहीं जाते एबसेंट रहते। तो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने वो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया 50% तो वापस
वापस लेना था। तो हर शोबे में, हर प्रोफेशन में अच्छे हुए सब तरह के लोग होते हैं, तो समाज के आईना है, तो पॉलिटिक्स में भी खराब लोग हैं, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, तो हम तो कोशिश करें कि पॉलिटिक्स में जाए। तो आप लोग नौजवान के ऐसे से जो जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी जिनके पास तालीम है, आपको सभी लोग पढ़े लिखे, लेकिन बहुत सी आपकी जो सिस्टर्स हैं बहने बाहर वो पढ़े लिखे नहीं, उन सबको और खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स में लाने का ये मतलब नहीं कि सब लोग इलेक्शन लड़े, पॉलिटिक्स में खाली इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन तो वो लोग लड़ सकते हैं जिनके पास पैसा हो, तो MP का इलेक्शन लड़ना हो तो हमारे UP में 5 करोड़ का कल्चर आपको आते हैं, जैसे पार्टी कांग्रेस पार्टी 1 करोड़ देने थी बाकी आप लोग लेके आए, वो खर्चीला मामला। लेकिन और बहुत से काम अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो एक बड़े इदारे से जुड़े हैं, उससे आप गरीबों की बहुत मदद कर सकते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो सिफारिश कर सकते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही बार बार ट्रांसफर हो रहा है तो हुकूमत के हवाले में जाके गुहार लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपनी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, तालीम के, सेहत के, नौकरियों के, इनको आप उठा सकते हैं फौरन और कम खर्च। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप भी कोशिश करिएगा, जितने भी पढ़े लिखे रिसोर्सफुल मुसलमान तालीम याफ्ता रिसोर्स, तालीम याफ्ता लोगों की कमी है, उनको लाने की जरूरत है। वो आएंगे तो इस सबक के साथ जाए कि वहाँ जाके तालीम अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते। एक फर्क ये भी होता है कि अगर हम अच्छी पोस्ट पर आ गए तो कोशिश करते हैं बाकी कोई हमारा कंप्यूटर वगैरह होते रहता है, उससे नुकसान होता है। आपको पूरी शाहराह पे चलना, हाईवे पे चलना, तो इसकी कोशिश करें कि आप लोग पॉलिटिक्स करें। हमें आपकी बातें कह रहे हैं, जब मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पावर के बगैर तरक्की में मुश्किल आती है, तो उसके पीछे एक बड़ा फैक्ट है जो होता है वो ये है कि आप में से बहुत लोग जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, इनको अच्छी तरह याद होगा कि इनके बचपन में शेड्यूल कास्ट की जो सूरत हाल थी उससे अब तक बहुत फर्क हो गया है। शेड्यूल कास्ट में तालीम बढ़ गई है, सियासत में 23% की नुमाइंदगी है, सारी पार्टियाँ उनको अपने में शामिल करना चाहती हैं, उनके इलाकों में शहर के सेंटर बहुत बढ़ गए, उनके गांव में सड़कें बनी हैं, हरियाली लाई गई है, पंचायत भवन बने हैं, हैंडपम्प दुनिया भर की चीज़ें उनके लिए है। क्यों है? क्योंकि भारत सरकार से लेकर सारी जो राज्य सरकारें वो 100 रुपये अगर उनको मिलता है डेवलपमेंट के लिए, यानी प्लान खर्चे के लिए, तो उसमें से 23 रुपये आपको शेड्यूल कास्ट की भलाई के लिए खर्च करना लाजमी। जितना बजट हिंदुस्तान का है सारी रियासतें मिला भारत सरकार की मदद, उसका 23% आपको शेड्यूल कास्ट के लिए देना लाजमी। ये क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि रिजर्वेशन की फैसिलिटी हुई, डॉक्टर अम्बेडकर से समझौता हुआ गांधी जी का 1935 में, और यह तय हुआ कि शेड्यूल कास्ट लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा उनके आबादी के तनाव से। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 84 या 85 सीट है पार्लियामेंट की जो शेड्यूल कास्ट के लोग ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तकरीबन 48 सीटें जहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनका 8% का रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट का 15%, तो ये 23% हो जाए। अब उनकी तकरीबन 1/4 आबादी पार्लियामेंट में घुसी हुई है, असेंबली में घुसी, कोई सरकार कह नहीं सकते अगर वो लोग रुकावट डाल शुरू करें। अभी एक मिसाल देता हूँ, 1 अगस्त को अभी इस साल सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि शेड्यूल कास्ट के जो बड़ा तबका है हायर इनकम, हायर कास्ट ऊपर वाला, जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं, उसको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया। उसी फैसले में वो देवेंद्र सिंह बनाने यूनियन ऑफ इंडिया कहलाता है उनका, उसमें ये भी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि शेड्यूल कास्ट में भी दर्जाबंदी है, कुछ लोग ज़्यादा तरक्की आता है कुछ कम, कुछ जो ज़्यादा तरक्की आता है उनका रिजर्वेशन कम कर दिया जाए और जो कम तरक्की आता है उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अच्छी थी बात। लेकिन 100 पार्लियामेंट के शेड्यूल कास्ट के मेम्बर 100 MP बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट दे वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले, डेलीगेशन ले, वहाँ उन्होंने कहा था पैसा मत करिए, क्रीम लेयर हट जाएगी तो हमारे ऑलरेडी तादाद का हमें शेड्यूल कास्ट की नौकरी में और घट जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी मीटिंग में ऐलान किया कि हम जजमेंट को लागू नहीं करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर 1 अगस्त का फैसला और 7 या 8 अगस्त को डेलीगेशन, न कोई जलसा न जुलूस न प्रोटेस्ट कुछ नहीं किया, खाली 100 MP पहुँच गया प्राइम मिनिस्टर को अपनी सरकार चलानी है, अपोजिशन भी सब अपनी
गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो अगर 100 MT मिल जाए तो फिर कोई गवर्नमेंट उनको हिला नहीं सकती। ये सब हम मुसलमानों के लिए आर्टिकल 341 में बिना मजहब के शर्त के शेड्यूल कास्ट की तहत बनाई गई। जैसे धोबी, धोबी कम्युनिटी का कोई आदमी अगर है तो वो हिंदू धोबी हो तो भी शेड्यूल कास्ट कहलाता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है रिजर्व सीट, और बुद्धिस्ट हो तो रिजर्व सीट पर लड़ सकता है बुद्धिस्ट धोबी, और सिख हो तो उसको मिल सकता है। लेकिन अगर मुसलमान या ईसाई, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में ऑर्डर कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट का फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, बाद में उसने बुद्धिस्ट और सिखों को शामिल किया। सिखों को पहले शामिल किया 1956 में और 1990 में बुद्धिस्ट। अब तीन बिरादरियाँ, यानी अगर एक धोबी हिंदू है या वो धोबी सिख है या वो धोबी बुद्धिस्ट है, तो पूर्व रिजर्व कैटेगरी के फायदे 23% का रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, असेंबली में, नौकरियों में, तालीमी कानून वो सब मिल सकते हैं। और एक बड़ा कानून उनके हाथ में, अगर कोई आदमी शेड्यूल कास्ट के साथ कोई बदजुबानी कर दे तो एक प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1986 कांग्रेस के जमाने, उसके तहत वो जेल चला जाएगा। आप किसी को उसमें लिखा कि अगर जाति सूचक अल्फाज, यानी किसी को हकारत से उसकी जात कह दें धोबी है, हकारत से कहते हैं तो मुकदमा कर देगा तो पकड़ा जाएगा और उसकी जमानत हाई कोर्ट से नीचे नहीं होती, वो पहले जाएगा सिटी मजिस्ट्रेट के, उसके बाद फिर उनके ऊपर जाएगा सेशन कोर्ट में जाएगा, वहाँ जगह खारिज होगी। जब हाई कोर्ट में जाएगा तब तक 4-6 महीने जेल में सब चुका होता है, उसके बाद उसको। अगर ये रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए बेपरमिसिबल हो तो मुसलमानों की जो बरादियाँ शेड्यूल कास्ट की फहरिस्त बाकी, अगर मान लें उनकी लिंचिंग हो रही है, जैसे एक वाक़ हुआ कि एक आदमी खिलौने बेच रहा था जब मारा लड़के आया उसने मारा, तो उसमें प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लागू हो गया, जो निकल के घूम रहे हैं लोग वो जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर हो, ये सारे फायदे। तो हम लोगों को खासतौर से नौजवानों को ये तहरीक चलाने की जरूरत है कि ये जो शर्त लगाई है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार वही हक है, लेकिन भारत सरकार जो कोई इंडिया के बाहर की सरकार थोड़ी है, हिंदुस्तान की सरकार है, तो अगर हिंदुस्तानी लोग लग जाए इस काम पे तो उनको समझाया जा सकता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन इसीलिए बनाया गया, अपने नाम सुना हो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम खटिक एसोसिएशन बॉम्बे, उन्होंने 2004 में एक मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमानों ने जो बरादियाँ शेड्यूल कास्ट की हैं उनको भी वही हक मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि किसी के साथ तकलीफ नहीं होगी, सब बराबर होंगे। 15 कहता है कि किसी के साथ उसके जात या मजहब की बुनियाद पर कोई तकलीफ नहीं होगी। 16 कहता है कि किसी के साथ नौकरियों में बिना सिर्फ उसकी जात और मजहब की वजह से कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और 25 से कहता है कि हर शख्स, चाहे वो शहरी हो या गैर शहरी, उसको अपने दबेती और अपने तकाफिया आज़ादी उस आदमी का बुनियादियाँ है कि चाहे मुसलमान रहे, चाहे हिंदू हो जाए, चाहे सिख हो जाए, चाहे ईसाई। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि चारों कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम की लापरवाही हो रही है, इस शर्त को हटना चाहिए। सोनिया गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ये लगाना नहीं चाहती थी कि हटा दी जाए शर्त की मदद, तो उन्होंने इस मामले को माइनॉरिटी कमीशन को भेज दिया, वहाँ हमिद अंसारी साहब चेयरमैन जो बात है वाइस प्रेसिडेंट पर, उन्होंने भी लिख दिया कि अलग शर्त है, इसको हटना चाहिए। फिर वो रिफर कर देगा शेड्यूल कास्ट कमीशन, वहाँ बूटा सिंह साहब चेयरमैन की डेट हो गई, वो मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने भी लिख दिया कि हाँ ये शर्त हट जाना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा शेड्यूल कास्ट है, जो हिंदू शेड्यूल कास्ट है, उनका हक ना मारा जाए। फिर उनकी अपडेट हो गई तो दोबारा भेज दिया शेड्यूल कास्ट में, पुनिया साहब डॉक्टर भेज दीजिए, वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन थे, उनको भेज दिया, उन्होंने भी ये बात लिखी कि ये शर्त हट जाए। 5 असेंबली हुई जिसमें बिहार, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी की बंगाल, राजशेखर रेड्डी की आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, और अभी नायडू साहब ने तेलंगाना उन्होंने किया। 5 स्टेट ने असेंबली ने रेजोल्यूशन किया कि ये शर्त गैर कानूनी है, एक ही काम करने वाले हैं, एक ही विभाग के लोग, चाहे हिंदू मुसलमान इसका आप क्यों पाते हटे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं मानी। अब एक अगला कमीशन बना दिया जस्टिस बाला कृष्णन कमीशन,
वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। अब उनसे कह दिया गया 2024 तक वो रिकमेंडेशन, वो भी कोई रिकमेंडेशन जाए तो इसमें डाला जा रहा है। इसमें अगर हम लोग पीसफुली सड़कों को उतरे, जैसे हम लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए सड़कों को उतरे, जैसे शाहबानो केस का फजूल का केस था, उसमें सड़कों में पूरे हिंदुस्तान को सड़क उठा लिया कि लड़की को 5 रुपये महीना जो है मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में जो है तलाक के बाद मेंटेनेंस, ये तो जगह। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों ने सड़कों को उतर के गवर्नमेंट में प्रेशर डाला, लेकिन इतनी अहम चीज़ पर आज तक कोई नहीं थी, कोई प्रोटेस्ट, कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ऐसा स्टेटमेंट है कि जिस दिन मुसलमानों की लीडरशिप इस मामले को उठाएगी, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेगी, अपोजिशन से नेगोशिएट करेगी, तो ये मसला 5-6 साल के अंदर तय हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन ये दरवाज़ा 23% का मुसलमान दलितों के लिए खुलेगा, तो फिर पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी कम से कम 36 सीटें इजाफी मिलेंगी। अभी 24 मेंबर्स आए हैं इस इलेक्शन में, अभी जो इलेक्शन में इसमें 24 मेंबर्स सभी पार्टी में, 36 सीटें और आपको मिल जाएंगी, तो आप 64-65 सीट के हजार होंगे। जिस दिन 64-65 MPs मुसलमानों के पार्लियामेंट बैठेंगे, सारी पार्टी किसी सरकार में हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ नाइंसाफी को आगे बढ़ाए, रुकना पड़ेगा। मैंने बड़ा वक्त दिया है आपका, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जो बातें आप सभी रखी हैं, उनमें जो चीज़ें आपको पसंद आए उनको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे बड़ा शुक्रिया अदा करना है आपका और आप सबका, जो लोग यहाँ पर नहीं आ चुकी है, कि मुझे समझा गया कि मैं यहाँ पर हाजिर हो सकता, आपने मुझे नाम दिया। एक चीज़ मैं अपने जात के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। शुरू में बताया मैंने अभी सामने उत्साह में कि मैं एक इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली हूँ। मैंने अपने बायोग्राफिकल नोट में भी लिखा, ऑटोग्राफिकल नोट मैं शायर ही हूँ, तो मेरी किताब में एक बहुत लंबा सा ऑटोग्राफिकल नोट है, उसको इसका लिखा कि मैं एक लोअर इनकम फैमिली से ताल्लुक हूँ। उसकी वजह वही कि मेरे फादर 1942 में सरकारी नौकरी छोड़ के वो हमारा छोड़ करो या मरो वाले शिकायत करके अपने ऊपर मुसीबत दे दी, खानदान की है उस पर शर्मिला ने फख्र होता है कि हमारे वाली मुसलमानों ने देखा हम लोग ऊपर उसका दौड़ पड़ा। लेकिन हमने बहुत मेहनत की है, हमारे पास कोई गॉड फादर नहीं, एक छोटे से धंधे का रहता हमारे 30-35 करोड़ की आबादी है, वहाँ कौन गॉड फादर होता, घर पे मेहनत की। फिर अलीगढ़ चले गए तो वहाँ LLB और LLM में टॉप है, LLB और LLM में फर्स्ट पोजीशन ली। फिर ISB में गए, ISB सेकेंड पोजीशन नेशनल लेवल पे, मैं चाहता सही कहा कि फॉरेन सर्विस में जाते हैं, लेकिन मैंने उसको मना किया क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ रहकर गरीबों का काम करूँ, और उससे मुझे फायदा हुआ, मैंने बहुत लोगों के काम किए और बहुत कुछ सीखा भी। आप लोगों से भी और आपके जानने वाले लोगों में से जो भी शख्स माशी तौर पर कमजोर है उसकी हौसला बढ़ेगी, उसको बताइए कि गरीबी और पसमानगी से आप कोई रोक नहीं सकते, डेमोक्रेसी सारे कायदे कानून जैसे, और अभी तक तलाश होते हैं कि कम से कम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कोई शक और शुबा नहीं कि वहाँ पर ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग मेहनत करिए, लेकिन मेहनत बहुत आसान नहीं होती। हम 12 घंटे पढ़ते हैं गाड़ी में, 12 घंटे पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे उठते और रात के 11 बजे सोते थे, और पढ़ने के अलावा कुछ किया नहीं, लेकिन उस समय बहुत फायदा हुआ, बराबर आगे बढ़ते चले गए। हमारी टीम में भी ऐसे कई लोग थे, नसीम अहमद का नाम सुना होगा आपने, नसीम अहमद हमारे LLB क्लास फेलो थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बादशाह थे, IAS में आ गए थे हमसे 1 साल पहले, हरियाणा में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशनर बने, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन बने रिटायरमेंट के बाद, एक अकरमुल जब्बार है वहाँ पे पूरा में इंटर टेक के बड़े अफसर, वो हमारे साथ के हैं, और भी कई लोग जिन जिन लोगों ने मेहनत की अल्लाह के शुक्र है वो सब आगे निकलेंगे। आप लोग भी मेहनत करें, 5 साल की मेहनत खाली कर लें, तय कर लें कि हमें 5 साल 12 घंटे से कम पढ़ना नहीं है, फिल्में नहीं देखनी, सोशल मीडिया नहीं देखना। मैंने करके दिखाया, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं कह रहा हूँ जिसमें मैंने खुद अमल लग गया, मैं फिल्मों का बहुत धक्की हूँ, बचपन से मुझे फिल्मों का शौक, इतनी मोटी मोटी किताबें फिल्में कैसे बनती उसको मैं पढ़ी, लेकिन जब मैं शुरू हुआ एग्ज़ाम हो रहा है LLB का, LLM का,
तो हमने फिर भी देखा नहीं करने तो हॉस्टल भी हॉल भी बहुत कम थे, एक तस्वीर मैच होता था कभी हफ्ते में चले गए, लेकिन मैंने चार चार साल तक फिर में नहीं ली। घर में ही बफे में गए तो वहाँ के छोटे थे खटारा सिनेमा में, जहाँ वो सौ साठ नए पैसे की सीट स्टार वाली मिलती थी पेज पर, तो उसमें बैठ के देखी ही बफे। आपसे भी मेरा प्रश्न है कि जो वक्त आप पास है ये सबसे बेशकीमत असर है आपका, ये निकल जाएगा तो वापस नहीं आने वाला, तो इसको पकड़िए लागू खूब मेहनत करिए। और चार साल मेहनत करिए, ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करिए, दूसरे जॉब में जाने की कोशिश करिए, और अपना बैंक अकाउंट अपने पास रखिए, शादी हो जाए तो शोहर को तो ज्वाइंट हिस्सेदारी निकलवा दी वैसे ही कर। मेरी बीवी बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, उनका असमा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन निकलवा दी, वो अपना सारा पैसा वो अपने अकाउंट पर रखती है, काम बहुत कर रही है। 40,000 से ज़्यादा लड़कियों को हम लोगों ने पिछले 30-35 साल में अपने रिसोर्सेज से पढ़ाया। आप जैसे लोगों की फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करना है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है और फिर और 4 साल की डिग्री, जो भी पढ़ना चाहे अगर घंटे कम दो वार्षिक तो कम खूब आए, आपके यहाँ जाने वाले लोग ना हो तो लखनऊ और आस पास कोई जाने वाला गरीब घर की लड़की आपको लग रहा है कि परफेक्ट की टैलेंट है, एक कॉम्पिटिशन होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स है, उसमें जो पास हो जाएगा उसको हम लोग ले लेते हैं, आप भेजिए। तो अपना अकाउंट बना के रखने के लिए जरूरी है कि आप बहुत अच्छी नौकरी हो या अच्छे जॉब्स हो, इसको करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह ये जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ जमहूरियत कभी उठने नहीं पाती, म्यांमार है नहीं जहाँ फौजी हुकूमत ले रखी है, श्रीलंका है नहीं जहाँ पर 20 साल तक सिविल राइट्स में आपस में लड़ते रहे आपके लिट्टे वाले लोग और वहाँ के जो देश है, नेपाल भी नहीं है जहाँ सिविल वार हुई 20 साल। अल्लाह ताला का बड़ा करम है इस मुल्क पर कि हम लोग उस सिविल स्ट्राइक से बचे हुए हैं। और मुझे रसुल्ला के हदीस याद आती जिसमें उन्होंने जगह फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू भरी हवाएं आती हुई महसूस हो, ये रसुल्ला के लिए हम लोग खुश नसीब है कि इस मुल्क में पैदा हुए जिस मुल्क के बारे में रसुल्ला के हदीस हो कि हमें हिंदुस्तान से खुशबू भरी हवाएं आती हुई महसूस हो रही, वो यकीनन कभी ना कभी पूरे तरीके से निराश जाता होगा। और अभी भी बहुत है बहुत अच्छे खुले दिल के लोग हैं जो मुश्किल के वक्त पे आप साथ खड़े हो जाते हैं, आपके हम मदद नहीं लेकिन आपकी मदद पे बहुत से लोग तीसरा सीटा बार संजीव भट्ट अरे एक नाम तो नहीं सैकड़ों नाम है जो आप आपके साथ खड़े होंगे। आप लोग इस मुल्क को अपना समझिए जैसे आप अपने घर को समझते हैं, मान लीजिए कोई ईरान का आलिम आ जाए या सऊदी अरब का आलिम आ जाए वो कहेंगे भैया हफ्ता घर खाली कर तो हम यहाँ पर इस्लाम के साथ करेंगे, तो मैं मना कर दूँ मेरे पास एक ही घर है सारी उम्र की कमाई इतनी लगी है अगर किसी मौलाना के दे दूँ इस्लाम की तब्दील कर दी तो मैं कहाँ रहूँगा। तो ऐसे हम लोग अपने घर को प्रोटेक्ट करें, यही मुल्क भी हमारा है, मुल्क में बहुत से लोग रह रहे हैं जैसे हम अपने घर में सिबलिंग से आप रहते हैं वाले ऐसे मुल्क में सारे लोग हमारे कुल में हैं। इसमें एक हदीस कुदसी बताता है, हदीस कुदसी वो हदीस होती है जो रसूलुल्लाह पर वही हुई लेकिन कुरान शरीफ में नहीं है उसका जिक्र, तो हदीस कुदसी में खुदा का फरमान है, हदीस कुदसी में फरमाया अल्लाह ताला ने कि सारी मखलूक है अल्लाह का कुनबा, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है और उसकी और पहले हमारे हिंदुस्तानी वेद वगैरह में ये आया कि वासुदेव कुटुंबकम सारी दुनिया एक खानदान, तो सारी दुनिया एक खानदान इसलिए भी है कि कुरान से फिर एक जगह कहता है कि अरे लोगों हमने तुमको एक बट और एक औरत से पैदा किया और तुमको खानदानों और कबाइल में इसलिए तकसीम कर दिया ताकि तारुफ हो जाए ताकि पहचान हो, मेरा नाम अनीस है इनका नाम अली है इनका नाम सलमा वगैरह वगैरह, तो नामों की या खानदानों की जो तश्कील है वो इसलिए कि अल्लाह ताला ताकि लोग पहचान लें ये फला खाना है। फिर उसी आयत में पूरे एतराज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन अल्लाह की नज़र में तुम्हें सबसे अच्छा वो इंसान है जो मुत्तकी है जो अल्लाह से डरता है नेक अमल करता है। अभी नेक अमल पर एक चीज़ याद आ रही है, कुरान शरीफ का कोई सफ़ा आप देख लीजिए किसी भी आयत में शायद एक या दो पेज में आपको ये हुक्म मिले कि जो लोग एक खुदा पर यकीन करते हैं और नेक अमल
हमारे सवाले करने वाले उनके लिए फला है दुनिया में भी और हर जगह अल्लाह ताला का खुला हुआ इनाम है। एक खुदा पे यकीन करिए और नेक अमली करिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग नेक अमली करें, गरीबों के काम आए, चाहे इस कम्युनिटी को ये जहन में बिल्कुल बताइए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये अंसारी है, ये सब ये बिल्कुल खुराफात की चीज़ है। इनमें बिल्कुल मत पड़िए। जो आ जाए हाजत पर उसकी मदद करिए, उसके बारे में कोई मनफी ख्याल मत पाइए, बिल्कुल मनफी ख्याल नहीं। तो खुदा एक जगह और कहना है कि जिस शख्स पर कोई जरूरतमंद आता है वो मुबारकबाद पे लाए, क्योंकि आप पास आया आदमी इसलिए कोई जरूरतमंद, तो जरूरतमंद आदमी ऐसे आदमी पास जाएगा जो कि हाजत रवा करे, तो जो हाजत रवा करेगा वो खुश नसीब आए। इसलिए आप लोग उस खुश नसीब खुदबे में जहाँ शामिल हुई, जहाँ आप ऊपर से किसी को दे सकें, हाथ फैलाना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपने कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हैं मैंने कही उनमें से जो आपको पसंद आई उसको आप आगे जरूर आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस साहब, आपने अपने इल्म और तजुर्बात की रोशनी में बड़ी कीमती और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर कही है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर ने दौरान गुफ्तगू ये बताया कि उनके वालिद जो थे वो मुजाहिद आज़ादी थे, और हमारे स्कूल के बानी मरहूम अलहाज हारून अंसारी साहब भी जो थे वो मुजाहिद आज़ादी थे। मैं अपनी ये खुशगवार जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेहमान मुकर्रम के सामने जो है हमारे इस इदारे के बानी की हयात के मुख्तसर और रोशन अफवाब जो है वो सामने आ जाए। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हारून अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल के उस्ताद अदनान मलिक सर से को यहाँ तशरीफ़ लाए और हारून अहमद अंसारी साहब की ज़िंदगी की अहम बातें यहाँ पेश करें। आगाज़ बनामे रब कायनात मौजूदीन मजलिस और मुकर्रमी सामरीन, किसी हकीकत पसंद ने कहा था कि जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए उसका अंदाज भी हम सबसे जुदा होता है। एक और हकीकत बयान करना चाहूँगा कि संस्कृत जुबान का मकौला है जिसका मफहूम यूँ है कि हम में से कोई ना कोई एक ख़ास होता है और उस पर खुदा की ख़ास नज़र होती है, फिर उससे पहले और बाद के ज़मानों में उस जैसा कोई नहीं होता। जी हाँ मुकर्रमी सामईन, मेरी मुराद शहर अज़ीज़ की नामवर मशहूर मारूफ शख्सियत बाबा सियासत तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम के सबसे बड़े आलम बरदार, इल्म व अमल के मीनार नूर अजीम मुजाहिद आज़ादी और जदीद अंजुमन तालीम यानी JAT कैंपस के बानी अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब मरहूम की ज़ात गिरामी से है। बेशक सामईन, अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब मरहूम इल्म व अमल का वो मीनारे नूर थे जिसकी रोशनी से कई घरों तक रोशनी पहुंची और रोशनी थी तालीम की रोशनी। अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब इल्म व अमल का वो मीनारे नूर थे जिनकी बदौलत समाज को तालीम और तरबियत का एक नया निज़ाम हासिल हुआ, और उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि उनका लगाया हुआ एक नन्हा सा पौधा आज तनावर शजर और समर आवर दरख्त की तरह पूरी आब व ताब के साथ समाज में तालीम व ताल्लुम और तालीम व तरबियत के मैदान में अपनी खिदमत आन बान शान से अंजाम दे रहा है, जिसकी कोई नज़ीर और मिसाल हमें नज़र नहीं आती। याद कीजिए उस वक्त को जब मोहल्ला इस्लामपुरा के एक मशहूर खानवाली अब्बी सेठ के मकान पर
एक मीटिंग का इनेकार किया गया था। उस वक्त उस मीटिंग में हारून अहमद अंसारी साहब ने समाज को पैगाम देते हुए एक तारीख साज जुमला कहा था, वो ये कि मैं समाज से नाखानदगी का खात्मा कर देना चाहता हूँ। जी, उन्होंने कहा था मैं समाज से नाखानदगी का खात्मा कर देना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने जो कदम बढ़ाए वो बढ़ते ही चले गए। मौजिजी ने मजलिस में उनकी शख्सियत के एक और पहलू को आपके रूबरू पेश करना चाहूँगा। याद कीजिए उस वक्त को जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था, जुल्म व सितम का दौर दौरा था, और प्यारे देश के प्यारे वासी अपने प्यारे देश की खातिर जान को भी कुर्बान करने के दर पे आमादा थे। कोई फांसी के फंदों को चूमने के लिए आमादा था, तो कोई अपने लहू को इस देश की खातिर कुर्बान करने के लिए सच। ऐसे पुराशोक दौर में मालेगांव के उफुक पर एक बाहिम्मत बाहौसला और हौसलामंद नौजवान बासलाहियत नौजवान उभर कर सामने आता है, जिसे हम हारून अंसारी साहब के नाम से जानते हैं। हारून अंसारी साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जंग का भी ऐलान किया और अपने रफ़काए कार के साथ एक ऐसा मंसूबा बनाया कि उस मंसूबे के बाद अंग्रेज हुकूमत और अंग्रेज अफसरान उनकी तलाश में जुट गए। अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब ने अंग्रेजों की ले जाने वाली ट्रेन की पटरियों को तबाह बर्बाद करने का भी अजीम कारनामा अंजाम दिया। और उस दिन के बाद से फिर उनकी तलाश शुरू हुई, और फिर वो दिन भी आया जब अंसारी साहब को मालेगांव के एक मकाम पांच कंदील के मकाम पर हो रहे जलसे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाकायदा गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गोया उन्होंने ये पैगाम दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आजादी हासिल होने के बाद, आजादी प्राप्त होने के बाद फिर अंसारी साहब शहर अजीज मालेगांव की तामीर और तरक्की के लिए यूं जुटे कि समाज उन्हें बाबाए सियासत के नाम से जानता है। समाज ने उन्हें बाबाए सियासत के लकब से मुकल्लब किया, और फिर उनकी तालीमी खिदमात से हम बखूबी आशना हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर मौजूदा चेयरमैन साहब अनीस अहमद अंसारी साहब और सेक्रेटरी निहाल अहमद अंसारी साहब अपनी गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं इस सुनहरी मौका पर बहैसियत मौलिम और इस शहर का एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ख़ास तौर पर तालीम और तरबियत और तालीम और ताल्लुक से मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर मैं भी एक अज़्म आपके रूबरू पेश करना चाहूँगा। अनीस अहमद साहब और निहाल अहमद अंसारी साहब और तमाम मौलवीन की ज़ुबानी ये कहना चाहूँगा कि हमने ठानी है ये शम्मा न बुझने देंगे, उम्र भर इसको इसी रंग में ढलने देंगे। दिल पिघलता है हमारा तो पिघलने देंगे, रौनक बज़्म मगर कम नहीं होने देंगे। आखिर में अपने अल्फाज समेटते हुए मैं अपने कायद हारून अहमद अंसारी साहब की खिदमत में खराज अकीदत पेश करते हुए आखिर में तालिबे दुआ हूँ कि आसमां तेरी लहर पर शबनम अफशानी करे। अल्लाह जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया अदनान सर। बहुत ही मौसर अंदाज में उन्होंने अल्हाज हारून अहमद अंसारी साहब की हयात पर रोशनी डाली। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जेटी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सीनियर अंग्रेजी के उस्ताद बशारती अब्दुल समद सर से कि आप तशरीफ लाएं और जेटी कैंपस का तारुफ और यहाँ पर चलने वाले इदारों का मुख्तसर तारुफ मेहमान के सामने पेश करें।
ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर अनीस डॉक्टर मोहम्मद अनीस अंसारी सर आईएएस फॉर्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर एंड द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सनैलिटी आई मस्ट से द प्रेसिडेंट ऑफ टुडेज फंक्शन ऑनरेबल मिस्टर निहाल अहमद अंसारी साहब सेक्रेटरी जेजी कैंपस ऑनरेबल नियाज अहमद लोधी साहब द ट्रेजरर जेजी कैंपस एंड अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हियर ऑन द डाइस रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स टीचर्स एंड द प्रेजेंट ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टुडे and lucky to have the opportunity to unfold the details about different sections of JT campus. So first I have JT primary section. It was established in 1981 and the total teaching staff we have 43, non-teaching staff 9 and total students in this primary section 2941 students. Moving forward, JT Girls High School and Junior College section established in 1962. Teaching staff 78, non-teaching staff 10, and total students we have 3679. And among them, high school students are 2819 and higher secondary students 806. Proceeding further, I would like to summarize about Zainab English Medium School section. It was established in 2006 and total teaching staff 30, non-teaching staff 5 and total students are 940. Then Haru Ansari English Medium School section, it was established in 2009 and total teaching staff 30 and non-teaching staff 6. Total students are 1177. Moving forward, Haru Ansari Urdu High School and Junior section, it was established in July 2019. Total teaching staff 30 and non-teaching staff 3. Total students are 468. Then JTDL College section, it was established in 1960. The oldest one, teaching staff 7, non-teaching staff 4, and total students including FY and SY are 100. Then JT Knight High School, we have one more section, sir. I would like to introduce you this section. JT Knight High School, in this school, mostly the students of the students are laboring. They actually work hard and in the night they come to the school and they get education. So we have this very proud section. Total teaching staff we have 10 and non-teaching 4 and total students at present we have 300. Moving forward, one more section, Haru Ansari Urdu Primary School. It was established in 2009 and teaching staff 30 and non-teaching 8, total students 1000. Then we have JTBA College section, sir. It was established in 2009, total teaching staff 3, non-teaching 2, and including FY and SY students, we have 100 students. Then the last, JT Senior College, it was established in 1989, total teaching staff 45, non-teaching 15, and total 1000 students at present, they are studying here. So summarizing to you, sir, we have total 13,000 students here in this JT campus, sir. And total teachers we have 350 about and total non-teaching 80. So this was the brief summary of different sections of JT campus, sir.
So with this, I would like to take my seat back and thank you very much.